हेलो इन्वेस्टर, आज अपन देखने वाले हैं कि एसआईपी इन्वेस्ट करना बेटर है या लमसम। कैसे डिसाइड करें कि अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि विच इज द बेस्ट फॉर मी। चलो तो पहला बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। लमसम का मतलब है यू विल पुट मनी वन शॉट, मतलब डेली 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे, घर पे पहले 3,000 रुपये जमा करोगे और एक साथ बैंक में भर के आओगे। सो फर्स्ट यू विल एक्युमुलेट द फंड्स एंड देन यू विल पुट इन वन शॉट, ताकि हर मंथ हर डे डिवाइड करने की मतलब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी में हर मंथ एक अमाउंट आपका जो फिक्स्ड होगा वो इन्वेस्ट होगा, 100 रुपये या 500 जो भी आपके लिए जरूरी है। तो सिंपल मीनिंग ये है, लमसम मीन्स वन शॉट इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑन अ मंथली बेसिस और रिकरिंग बेसिस, सबको पता है। नाउ अपन देखेंगे इसके डिफरेंसेस क्या और ये किसके लिए बेटर है। नाउ अगर आप पूछेंगे बेनिफिट क्या है, एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने पहले महीने में 100 रुपए के यूनिट्स लिए, एनएवी उसका 100 रुपए था, नेक्स्ट मंथ मार्केट डाउन हो गया, आपको वही यूनिट 90 रुपए मिले, तो पहले मंथ का इन्वेस्टमेंट 100, बाद में 90, सो 100 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 बराबर है, सो 190 डिवाइड बाय 2, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पहला कॉस्ट 100 रुपीज था वो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे मार्केट डाउन होगा आपको यूनिट सस्ते दाम पे मिलेंगे, आपका कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट भी बाद में मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। लमसम में ऑप्शन नहीं है, आप एक ही साथ पैसा इन्वेस्ट करते हो, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपने जिस समय इन्वेस्ट किया वही रेट आपके लिए अप्लाई होगा, ये तो डिफरेंस है। देन अभी ये इन्वेस्टमेंट किसने करना चाहिए लमसम एसआईपी, अगर आप डिसिप्लिन पर्सन हो वो एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप हर मंथ आपके अकाउंट में से बराबर कट होगा। लेकिन आप कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ सेविंग के मामले में, तो फिर एक साथ पैसा आता है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हर मंथ अपने से नहीं होगा, तो देन यू शुड गो फॉर द लमसम अमाउंट। बट माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर एज फार एज योर इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, तो उसमें इनडिसिप्लिन होके नहीं चलने वाला है। देन किसने एसआईपी करना चाहिए, किसने लमसम करना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है, जिनको फिक्स्ड इनकम मिलने वाला है, जिनका रिकरिंग इनकम है, उनको पता है कि 1 लाख 2 लाख जो भी आपका इनकम है, 50,000 10 करोड़ हर मंथ उतना इनकम आने वाला है, तो दे शुड गो फॉर द एसआईपी ऑप्शन। बट अगर सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूं, मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही पैसा मिलेगा, इन बिटवीन पैसा नहीं मिलेगा, तो 6 महीने के बाद मेरे को 1 करोड़ मिलने वाला है, वापस 6 महीने के बाद 1 करोड़ मिलेगा, तो इन लोगों ने लमसम इन्वेस्ट करना जरूरी, बिकॉज उनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। या फिर आप सैलरीड हो और आपको सडनली बोनस मिला है, एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए का गिफ्ट किया है, या आपको किसी फंक्शन के समय सडनली आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट आ गया, तो भी आप कब क्या कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, व्हाट इज द टाइम। तो एसआईपी में आई विल से डोंट टाइम द मार्केट, वो हर मंथ पैसा इन्वेस्ट होगा एंड आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया होंगे। लमसम में आपने कब करना चाहिए, देखो डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो फिर जब भी पैसा आएगा आप इन्वेस्ट करोगे, उसके इसमें रिटर्न्स कम ज्यादा होंगे। अदरवाइज अगर आप थोड़े बहुत डिसिप्लिन हो तो फॉलोइंग मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान होता है, बट वो व्हाट इज दैट सपोर्ट लेवल वो ढूंढना मुश्किल होता है। बट जब आपको लगता है कि अभी मार्केट एकदम बेस लेवल पे है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो उस समय इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, नाउ कितने समय तक से इन्वेस्ट करना चाहिए, गाइस दोनों में 5-5 साल आपने इन्वेस्ट करने चाहिए मिनिमम, ये मेरा ओपिनियन है। 2-3 साल में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आते, तो आप लमसम करो या एसआईपी करो। मिनिमम पीरियड 5 to 10 ईयर्स होगा, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। नाउ एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बंदे ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया है लमसम फॉर 20 ईयर्स एट 12%, तो रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है 11 लाख समथिंग आपको रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि उसने 1,20,000 लमसम इन्वेस्ट किया है और मैं रिटर्न 12% अज्यूम कर रहा हूँ। वेर एज उसी 1,20,000 को मैं मंथली 1,000 का एसआईपी निकलता हूँ फॉर सेम अमाउंट, मतलब मैं ऐसे भी 10 साल का ही करूंगा, पैसे 20 साल के बाद विड्रॉ करूंगा, तो वो रिटर्न भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो दोनों में मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रखा है, लमसम में 1,20,000 रखा है, ऐसे भी मैं 1,20,000 1-1,000 के ऐसे मैंने 12 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, मतलब बराबर 120 इन्वेस्ट होगा। मैंने रिटर्न भी दोनों का 12% रखा है, पीरियड भी दोनों का 20 साल रखा है, ऐसा भी 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, वो होल्ड होगा 20 साल तक, एंड दोनों के रिटर्न्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप कंपेयर कर सकते हैं,
कि एसआईपी के रिटर्न्स कितने हैं 10 साल में और लमसम के कितने हैं, तो ये रिटर्न ऐसे वेरी होते हैं, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए था। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं कि सामने करना क्या चाहिए, सो देयर इज नो राइट आंसर। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए, इट डिपेंड्स ऑन इफ यू आर गेटिंग रिकरिंग इनकम, ऑब्वियसली एसआईपी गिव्स बेटर रिटर्न, बट मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया है कि लमसम के भी रिटर्न्स कभी कभार अच्छे होते हैं, तो ये मार्केट के बेसिस पे होता है। बट माय सजेशन, आपने हाइब्रिड मोड पे जाना चाहिए, तो आप मंथली एसआईपी करो, एंड जब भी मौका मिलेगा, जब मार्केट एकदम डाउन है, उस समय आपने लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए था, दैट विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ओनली फॉर एसआईपी, ओनली फॉर लमसम, आई विल से यू अप्लाई हाइब्रिड मॉडल, ताकि आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। एंड अगर आप अभी से डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो इमीडिएटली नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है, एंड ऐसे और नॉलेज के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट इंप्रूव नहीं होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो पसंद है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है। एंड आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं लमसम, ऐसे भी व्हाट ऑप्शन यू चूज, कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।